पिक्चर इंसर्ट करना है वो कैसे करेंगे? तो आप क्या यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट ग्रुप, इंसर्ट जो टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर आपको मिलता है पिक्चर ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, एक जो डायलॉग बॉक्स है आप देखेंगे, इसका नाम यहाँ पे शो कर रहा है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर का जो बॉक्स है ये शो हो जाता है। अब इसे आप क्या कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अपन कोई एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो पिक्चर है वो यहाँ पे शो हो गई है। अब जैसे पिक्चर शो होती है, यदि आप पिक्चर से बाहर हैं तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास लास्ट में रिव्यू व्यू टैब शो कर रहा है, लेकिन आप जैसे पिक्चर पे क्लिक कर तो यहाँ पे जो फॉर्मेट टैब है वो ये शो हो जाता है। अब वैसे पिक्चर की फॉर्मेटिंग जो आप अपन ने एमएस वर्ड में देखी थी कि एमएस वर्ड के अंदर इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते थे, तो वही ऑप्शन क्या है यहाँ पे भी काम करते हैं। तो अपन इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला तो आता है यहाँ पे फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन ब्राइट, यहाँ पे एडजस्ट ग्रुप, एडजस्ट ग्रुप के अंदर आता है ब्राइटनेस। तो जब आप ब्राइटनेस पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल कितना है, आपको यहाँ पे क्या ब्राइटनेस बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसमें देखेंगे अपन ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव हो जाता है। ऐसे क्या होता है, जो इसका ब्राइटनेस है यदि अपन यहाँ पे कम करें तो यहाँ पे क्या है, जो इमेज का ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट आता है, तो ये काम क्या करते हैं, जैसे आप कोई इमेज लेके आते हैं और इसमें ब्राइटनेस कम है, उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आता है कॉन्ट्रेस्ट का, तो कॉन्ट्रेस्ट में आपको इसका कंट्रास्ट वगैरह जो बढ़ाना है उसको आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिच कलर का, इसका कलर वगैरह आपको मैनेज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिंपल सी फोटो है तो इसमें आप जैसे कलर देना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है चेंज पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर भी आता है, तो ये क्या है, जो इसकी साइज है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं, इसकी साइज वो कम हो जाती है। और यहाँ पे चेंज पिक्चर आपने जैसे क्या किया है, जैसे इसमें फॉर्मेटिंग कर दी है, हम यदि यहाँ पे आए पिक्चर स्टाइल पे, और पिक्चर स्टाइल पे आप देख सकते हैं कई सारे बॉर्डर के ऑप्शन है, यदि आप इनका यूज करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बॉर्डर जो है, जैसे अपन यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव करें तो इसमें अप्लाई हो रहा है। आप नीचे आए और भी ऑप्शन है, आप इनका यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके रखते हैं, अब आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग रहे और इसके अंदर की जो पिक्चर है वो चेंज हो जाए, तब ये जो चेंज पिक्चर का ऑप्शन है उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंसर्ट पिक्चर का जो डायलॉग बॉक्स है वो शो हो रहा है। अब इसके अंदर की जैसे अपन यहाँ पे पिक्चर चेंज करें तो उसके लिए आप क्या कोई भी पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो डिजाइन रहता है बैकग्राउंड का वो पहले जैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर की पिक्चर यहाँ से रिमूव होके दूसरी आ जाती है। आप यहाँ पे आएंगे पिक्चर पे ही, तो यहाँ पे रिसेट पिक्चर का भी ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपने जो फॉर्मेटिंग की है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। किसी के साथ यहाँ पे आते हैं, ये आपने देखा पिक्चर स्टाइल, कि आपको पिक्चर स्टाइल में सिर्फ माउस पॉइंटर मूव करना है और ऑटोमेटिक क्या उसमें अप्लाई हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे क्या आता है, जो और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे देखें पिक्चर स्टाइल के बाद पिक्चर शेप का ऑप्शन, आपको पिक्चर को किसी शेप के अंदर फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं। आप जिस शेप में रखना चाहें, जैसे अपन का ये इमेज व्हाइट है, इसका अपन देते हैं ब्लैक, और यहाँ पे आते हैं शेप पे और इसका जो शेप है वो चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हो किसी भी शेप के अंदर इमेज को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, क्लिक करना है और इसका जो शेप है वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। आपको किसी लेआउट में रखना है वो आप रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन एरो पे रखें, अब इसमें हमें क्या करना है, कलर वगैरह देना है, जो बॉर्डर का कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या आता है, पिक्चर इफेक्ट का, पिक्चर इफेक्ट में भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, जो इफेक्ट आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ग्लो का, रिफ्लेक्शन है, शैडो है,
प्रीसेट का ऑप्शन है, ये प्रीसेट ऑप्शन दे सकते हैं आप। यहाँ पे क्या, जैसे आप माउस पॉइंटर मूव करते हैं तो पिक्चर मूव ऑप्शन आपको शो हो जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे पिक्चर बॉर्डर पे है तो आपको और भी कलर चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं मोर आउटलाइन कलर पे, यहाँ पे बेस पे जा सकते हैं, इसकी बेस कम ज्यादा करना है, डैश रखना है वो भी आप रख सकते हैं। जैसे अपन डैश पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको डैशेस रखना है वो भी आप शो कर सकते हैं। अपन इसमें प्रीसेट में इसको नॉर्मल करते हैं और बॉर्डर कलर अपन दे देते हैं। इसी के साथ यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में जो आगे आते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और सिलेक्शन पेन, ये तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं। इनको यूज करने के लिए आपके सिस्टम में यहाँ पे क्या है, करेंट टाइम में स्लाइड पे आपके पास एक से ज्यादा इमेज होना चाहिए। तो अपन जैसे ये एक इमेज ये है और एक हाथ अपन इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं पिक्चर ऑप्शन और यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक और इमेज आ गई। अब इसके बाद अपन देखो, जैसे इमेज आई है तो इसके पीछे जो इमेज थी पहले से वो इसके पीछे क्या हाइड हो गई है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है बैकग्राउंड में चली जाए और जो पीछे वाली इमेज है वो टॉप में आ जाए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो सेंड टू बैक का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड इमेज थी बैक में वो इमेज क्या है, टॉप में आ जाती है और ये इमेज क्या है, यहाँ पे फ्रंट में शो हो जाती है। इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे जैसे इसकी साइज वगैरह, इमेज की साइज आपको इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे साइज पे, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे अपन इसको 10 करें, हाइट यदि अपन 10 करते हैं, बेथ पे आते हैं तो बेथ अपन इसको इंक्रीज कर देते हैं, जैसे इसको अपन 20 करें, तो आप देख सकते हो जो इमेज की साइज है वो यहाँ से आप क्या है कम ज्यादा कर सकते हो। और ये जो कीबोर्ड में एरो की है उसके थ्रू आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अब ये इमेज की साइज जैसे ज्यादा है तो आपको इसको कम करना है तो आप कीबोर्ड वहां से तो कर ही सकते हो, इसमें भी ऑप्शन जो है इसका भी यूज करके आप कर सकते हो। अब इसके साथ ही क्या होता है, इसका जैसे डुप्लीकेट बनाना है इमेज का, तो इसके लिए ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। जैसे यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे इसका जो डुप्लीकेट है वो आपको क्रिएट हो जाता है। अब इसको हम सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे इस इमेज को सेट करना है ये इसके फ्रंट में शो हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे रोटेट और इसका आप क्या रोटेशन चेंज कर देंगे। अब आप इसको यहाँ पे सेट करें जैसे, तो इमेज आपको कुछ ऐसी शो होगी। तो आपको इसको साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से करके इसको इसमें सेट कर सकते हैं, तो ये जो इमेज है ये कुछ ऐसी शो होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आता है जैसे अपन ने देखा सेंड टू बैक का, तो ये क्या है इमेज को ब्रिंग टू फ्रंट, अब इसको क्या है आपको टॉप में रखना है, जैसे बैकग्राउंड की इमेज है टॉप में रखना है, आप क्लिक कीजिए, ये जो नीचे की इमेज थी वहाँ पे बैकग्राउंड पे चली जाती है। और आपको इसको बैकग्राउंड यदि आप बैक में भेजते हैं इस पिक्चर को सेंड टू बैक तो जो पिक्चर है वो शो हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये सिलेक्शन पेन है, जैसे आप इस पे क्लिक करें तो आप करेंट स्लाइड में क्या है कौन कौन सा डेटा है, जैसे यहाँ पे देखिए कंटेंट है, प्लेस होल्डर 1, 3 है और यहाँ पे 4 है, तो आप इसको क्या है? जैसे यहाँ से आई को क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं जितना भी इमेज वगैरह थी वो यहाँ पे हाइड हो गई है, लेकिन आपको शो करना है इसी पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हो जिस पे क्लिक करोगे उसी के जो इमेज है वो यहाँ पे शो होती है। इस तरह से जो सिलेक्शन पेन होता है ये काम करता है। ऐसे इसमें अपन ने देखा एलाइन का, तो एलाइन के लिए भी अपन लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम इसके लिए यूज होता है इमेज को सेट करने के लिए। आप आगे आएंगे तो आप अपने यहाँ पे देखा हाइट बेस, कि आप यहाँ से हाइट बेस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर, ये है क्रॉप का, कि आपको इमेज क्रॉप करनी है वो आप कैसे करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें अपन एक और न्यू स्लाइड करते हैं और यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हैं, तो इमेज आप देखिए यहाँ पे आइकॉन शो हो रहे होंगे,
जैसे टेबल का, चार्ट का, यहाँ पे इंसर्ट स्मार्ट चार्ट का, तो आप इन आइकॉन क्लिक कर इनका जो क्लिक करेंगे, इससे भी ऑप्शन आप जो है पिक्चर वगैरह ला सकते हैं। तो अपन जैसे टेबल पे इसमें इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ऐसी कोई इमेज लेके आते हैं जिसको क्रॉप करना है। जैसे अगर हम बात करें ये वॉलपेपर है, इसको अपन लेके आए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका बीच का जो यहाँ पे विंडो का सिंबल है वो इसको अपन क्या अलग कर सकें, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा आपको क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है और कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है ये चेंज हो गए हैं। अब आप इसको क्या है माउस से ड्रैग कीजिए, तो जितने में इसका सिलेक्शन रहेगा उतनी इमेज आपको दिखेगी, इसके बाद की इमेज जो यहाँ पे क्या है क्रॉप हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अब आपको बाहर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, अभी आप देख सकते हैं जो इमेज है वो क्रॉप हो चुकी है। तो इस तरह से जो इमेज है उसको आप पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई सी ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे इंसर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मेट टाइप है वो शो हो जाता है, और इस फॉर्मेट टाइप का यूज करके आप इनको मैनेज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट, सर ये इस पिक्चर के बैकग्राउंड को चेंज करना, कलर चेंज करना है, जैसे व्हाइट है तो ब्लू करना है तो पिक्चर का बैकग्राउंड जी, मतलब जैसे क्लिक टू एड टाइटल लिखा है उसका मतलब पूरा पीछे बैकग्राउंड चेंज करना, कलर इसी का व्हाइट कलर का। तो ये स्लाइड पे चेंज करना है, तो इसके लिए क्या होता है आप इस पे राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पे, तो आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका सॉलिड फिल अभी व्हाइट दिखा रहा है, आप इसमें क्लिक कीजिए, जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप देख सकते हैं जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं। तो आप ये जब फिल पे आ पाएंगे तो यहाँ पे क्या है जो भी ऑप्शन है, आपको ग्रेडियंट लेना है आपके पास ग्रेडियंट के ऑप्शन है इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, आपको पिक्चर या टेक्सचर लगाना है उसके लिए भी ऑप्शन है आप इनका यूज कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है क्या, यदि आपको पिक्चर ही लगाना है पूरे फ्रेम पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पिक्चर ऑप्शन है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या जो पिक्चर है वो अप्लाई हो जाती है। थैंक यू सर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन ने ये पिक्चर इंसर्ट की और अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या है इसको क्रॉप कर सकते हैं, अपन रोटेट भी कर सकते हैं। सिंपल सा रोटेट का एक ऑप्शन और होता है, ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट दिख रहा है आप इस पे आएंगे, माउस पॉइंटर जैसे रखेंगे तो यहाँ पे एक सर्किल टाइप में बन जाता है। अब माउस की आपको प्रेस करना है और इसको आप क्या है राउंड कर सकते हैं, जैसा आप सेट करना चाहें उतना डायरेक्शन में आप इसको राउंड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है आप इमेज को यहाँ से भी मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। इसके बाद पिक्चर में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये अपन ने पिक्चर के अंदर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन थे वो अपन ने यहाँ पे समझे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट देखना है, अपन इसको न्यू करें, जैसे नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं इंसर्ट पे। अब पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फ्लिप आर्ट का, तो ये क्या है विंडोज 7 इसलिए फ्लिप आर्ट आ रहा है, यदि नया वर्जन होता है तो उसमें फ्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं आता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है। तो अपन जैसे ही फ्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आप राइट साइड में देखेंगे जो फ्लिप आर्ट का पेन है डायलॉग बॉक्स है वो शो हो जाता है। अब इसमें जैसे आप नीचे सर्च इन ऑल कलेक्शन है आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे कैटेगरी शो हो रही है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट शुड बी, तो इसमें ऑल मीडिया फाइल दिखा रहा है, तो आपको फ्लिप आर्ट चाहिए फोटोग्राफ मूवी साउंड, तो आप इनको क्या है कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं या आप क्या है ऑल मीडिया रहने दें। और इसमें जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे इमेज होंगी वो सभी इसमें शो हो जाती हैं, तो आपको जो भी इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे अपन किसी पे क्लिक करें तो वो इमेज क्या है आपके यहाँ पे शो हो जाएगी।
हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया, ये कंप्यूटर आ गया। ऐसे क्या होता है जैसे अपन यहाँ पे किसी और इमेज पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो वो इमेज भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, फ्लिपकार्ट का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से यहाँ पे क्या किया है, इमेज स्टोर करके रखा हुआ है और आपको जो भी इमेज चाहिए उसको आप यहाँ से आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको आपको मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए अभी पिक्चर के ऑप्शन जितने भी अपन ने देखे हैं फॉर्मेट टाइप की, वो सभी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट का, यदि फ्लिपकार्ट में आपको नाम पता है, जैसे हम क्या है मान लो कंप्यूटर सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च करके भी ला सकते हैं, कंप्यूटर सर्च किए वो पे क्लिक करेंगे, आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो डेटा है सिर्फ वही यहाँ पे शो होता है, तो आप इसको यहाँ पे क्या है इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये पॉइंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी इंसर्ट का ऑप्शन आता है, इंसर्ट कॉपी मेक अवेलेबल, ये मल्टीपल ऑप्शन है आप इनका यूज कर सकते हैं। और इसमें जैसे अपन न्यू स्लाइड, यहाँ पे अपन कंट्रोल भी, इस तरह से आप क्या फ्लिपकार्ट का यूज यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये क्या होता है जैसा जब आप कहीं पे काम करते हैं और उस कंप्यूटर में यदि इमेज नहीं है तो आप क्या इमेज नहीं है ऑनलाइन भी नहीं है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो फ्लिपकार्ट है इसका वहाँ पे यूज करके अपने प्रेजेंटेशन में जो इमेज वगैरह है उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंसर्ट टाइप पे ही, वो आता है फोटो एल्बम का। ये फोटो एल्बम कैसे काम करता है तो फोटो एल्बम अपन इसके लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इसके लिए अपन नया प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे उसमें देखेंगे, पहले अपन इनको देख लेते हैं सेफ स्मार्ट आर्ट। तो अपन पहले सेफ को देख लेते हैं, तो यहाँ पे अपन कंट्रोल एम करते हैं न्यू स्लाइड, अब इसमें आते हैं सेफ ऑप्शन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल शेप हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई ड्राइंग बनानी है, स्टार लेके आना है, जैसे अपन इसको लेके आए यहाँ पे आप ड्रा करें, देख सकते हैं ड्रा हो जाता है। आपको इसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे आप, इसका शेप कलर वगैरह जो देना है वो आप दे सकते हैं, आउटलाइन। फिर इफेक्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट के ऑप्शन है, प्रीसेट पे जैसे आए तो यहाँ पे क्या आता है, इफेक्ट के ऑप्शन आते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ग्लो रखना है, ग्लो आप रख सकते हैं। शेप यहाँ पे जैसे आउटलाइन था, अपन इसको क्या फील का स्टाइल पे आएंगे, इसके अंदर आपको स्टाइल देनी है वो आप दे सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इससे आप क्या है किसी भी शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इंसर्ट पे शेप पे आपको क्या इमेज इंसर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अपन क्या करें, इसको अपन साइड में रखते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करते हैं, शेप पे गए और यहाँ पे अपन क्या है शेप के साथ इसको सर्कल ड्रा करते हैं। अब इसमें आपको इमेज इंसर्ट करना है तो आप आएंगे कहाँ पे, शेप फील पे, इसमें आपको मिलता है पिक्चर, पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप क्या कोई भी इमेज है इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद इंसर्ट, तो आप देख सकते हैं उस शेप के अंदर यहाँ पे जो इमेज है वो अप्लाई हो जाती है। हमने यहाँ पे उसको क्रॉप वगैरह कुछ नहीं किया है लेकिन ऑटोमेटिक क्या उसके अंदर एडजस्ट हो गई है। ऐसे क्या आप कोई भी शेप लेते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप क्या है कोई भी शेप लोगे और उसके अंदर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वो आप आसानी से कर सकते हैं। मान लो अपन ये शेप लेते हैं यहाँ पे, अब देखो ये शेप शो हो गया। अब इसमें आपको जाना कहाँ पे, शेप फील पिक्चर, और यहाँ पे जो पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है उस पर आपको क्या है सिर्फ क्लिक करना है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, इस तरह से शो हो जाती है। ऐसे ये बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, शेप आउटलाइन, यहाँ से आप करेंगे नो आउटलाइन, ये इमेज जो है ये कुछ ऐसी शो होगी। तो शेप के अंदर भी आपकी इमेज को यहाँ पे सेट करके मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट टाइप में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये आता है स्मार्ट आर्ट का। तो अपन यहाँ पे जैसे नई स्लाइड लें और इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या है कंट्रोल एम करते हैं। अब इसमें अपन क्या है
जो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है इसका यूज करना है। स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आर्ट स्मार्ट आर्ट आपने पहले देखे थे वो आर्ट शो कर रहे हैं। आपको कोई डेटा लिस्ट के फॉर्म में शो करना है, जैसे अपन अगर इसका यूज करें ओके करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो गया। आपको कोई सीक्वेंस में शो करना है वो आप कर सकते हो। इसी के साथ इसको मैनेज करना है तो आपको डिजाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कलर अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। फॉर्मेट पे आएंगे तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। तो ये क्या, जब आप स्मार्ट आर्ट ले जाते हैं तो इसको आप आसानी से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ आपको जहाँ पे टेस्ट है उस पर क्लिक करना है। इसमें जो टेस्ट आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे अपन मान लो यहाँ पे ABCD दे देते हैं तो आप देखेंगे इसमें क्या है, जो टेस्ट है वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सा आपको क्लिक करके उसमें क्या है, सिर्फ आपको टेक्स्ट टाइप कर देना है जैसा आप डेटा वहां पे शो करना चाहते हैं। तो इसको आप फिर देख सकते हैं, इसमें क्या लिस्टिंग बनाने के लिए होता है। साथ ही आप देखें आपको यहाँ पे कोई और डेटा का फॉर्मेट आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आपने जो भी एक बार यूज किया है, अब इसमें से आप फॉर्मेटिंग आप दूसरी चेंज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, कई सारे ऑप्शन है आप इनका। जैसे यहाँ पे इमेज भी आपको इंसर्ट करनी थी, इमेज का मिल गया है, आप इसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, कोई इसमें इमेज इंसर्ट कर दें तो आप क्या है, इनके अंदर स्मार्ट का आर्ट के अंदर आप इमेज इंसर्ट कर पा रहे हैं, सिंपल सा क्लिक करके और आपको इंसर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई है। ऐसे ही आप क्या वापस आए यहाँ पे स्टाइल पे, तो आप क्या है जैसे इसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे इसके ऑटोमेटिक जो स्टाइल है वो इसमें क्या है चेंज हो रही है। आपको कुछ डेटा ऐसे बनाना था ये आप लिस्टिंग के फॉर्म में बना सकते हैं, ये कहलाता है ट्री स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे और भी लेआउट है, आप मोर लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं तो मोर लेआउट पे जो डायलॉग बॉक्स है ये आपको शो हो जाता है। अब आप क्या है इसमें जैसा रखना चाहें, रिलेशनशिप पे रखना है, यहाँ पे मैट्रिक का ऑप्शन है, पिरामिड में रखना है या सर्किल के फॉर्म में कोई डेटा रखना है, आपको सेलेक्ट करना है ओके करना है, वो डेटा ऐसा शो हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल आती है, इसमें आप जैसी स्टाइल अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मेट के जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह आपको फॉर्मेटिंग करना है उसका है, सेव फील का ऑप्शन है ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेव बैकग्राउंड में कौन सा कलर फील करना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्मार्ट आर्ट होता है ये यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे जैसे आपको प्रोसेस दिखाना है, जैसे अगर यहाँ पे अपन क्या करें, जैसे आपको प्रोसेस दिखाना है कोई भी सर्किल के फॉर्म में है, आप साइकिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ पे क्या सर्किल मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये क्या सर्किल के फॉर्म में डेटा शो हो रहा है। अपन इसको जैसे कलर करें तो आप देख सकते हो कोई भी जो प्रोसेस है उसको आपको सर्किल के फॉर्म में दिखाना है वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। स्मार्ट आर्ट काम आता है कि यदि आप कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और उसको नॉर्मल की जगह आप कुछ अलग तरीके से शो करना चाहते हैं उसके लिए स्मार्ट आर्ट का यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में नेक्स्ट आता है चार्ट का। तो चार्ट बनाना हमने सीखा था यहाँ पे, जैसे आप जो एक्सेल है एक्सेल में हमने चार्ट बनाना सीखा, एमएस वर्ड में हमने चार्ट बनाना सीखा। इसमें क्या दो टाइप के चार्ट आते हैं, एक तो 2D आता है और दूसरे आते हैं 3D। तो अपन जैसे सिंपल सा इसमें कॉलम चार्ट का यूज करें ओके करें, या पाई चार्ट का यूज करें यहाँ पे किसी एक को और ओके करें, तो ये क्या चार्ट शो हो गया है। अब ये क्या डेटा ऑटोमेटिक शो कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं डेटा को जैसे चेंज करते हैं, ये सेल्स है यहाँ पे उसका परसेंटेज लिखा हुआ है, अपन यहाँ पे जैसे बात करें तो अपन ABCD नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ABCD, अब उसकी जो सेल्स यहाँ पे क्या सेल्स है कितनी बिक्री किसमें हो रही है वो दिया हुआ है, तो अपन दे देते हैं जैसे यहाँ पे 50%।
फिर यहाँ पे अपन 80% ऐसे 45 और यहाँ पे 36। तो आप देखेंगे जो हमने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे शो कर हो रहे हैं। आप इसको क्लोज करेंगे एक्सेल शीट को, ये आपका क्या देख सकते हैं, ए बी सी डी ये आपको शो कर रहा है, ये कलर बता रहा है कौन सा किसके लिए है। आपको क्या करना है, जो चार्ट स्टाइल है यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल स्टाइल है, आप इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं हो रहा, तो परसेंटेज के लिए क्या था, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे चार्ट लेआउट के, ये परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको परसेंटेज और नाम दोनों शो कर रहे हैं। ये 17 ए यहाँ पे 24 है, डी यहाँ पे 70 है। यहाँ पे क्या है, आप कलर वगैरह इसको मैनेज करना है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिट करना है आपको जो डेटा है उसको फिर से एडिट करना है, तो एडिट डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है एक्सेल शीट ओपन हो जाती है, इससे आप उस डेटा को फिर से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या है इसमें चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, और चार्ट को मैनेज करना है तो इसके जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम अपन ने देखा एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर, वो सभी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जैसे लेआउट है, यहाँ पे फॉर्मेट है, ये जो ऑप्शन है इनको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंसर्ट टैब में हमने देखा यहाँ पे चार्ट बनाना, अब इसी में आता है यहाँ पे जो अपना है फोटो एल्बम का, ये फोटो एल्बम कैसे काम करता है। तो पहले देखो इसको अपन रन करके देखते हैं, जो आपने क्या सिंपल सा फॉर्मेटिंग किए हैं। अब ये जैसे टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है, इसकी फॉर्मेटिंग करना तो आप होम टैब पे आएंगे, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, साइज इंक्रीज करना, इसको यहाँ पे क्या है कलर देना, आप इसमें मोर कलर पे आएंगे, जो कलर आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे क्या है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोल्ड वगैरह करना है वो आप करेंगे। आप यदि फॉर्मेट पे आते हैं तो ये आपको स्टाइल मिल जाती है, यहाँ पे जो स्टाइल है इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ से क्या है अंडरलाइन रिमूव कर सकते हैं, और फॉर्मेट के अंदर ये स्टाइल दी हुई है, आप इन स्टाइल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि अपन इसको रन करें, तो रन करने के लिए क्या था, स्लाइड शो और फ्रॉम बिगनिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे, स्लाइड रन हो गई है। अब आपके अपन चेंजेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं एक स्लाइड में दूसरी स्लाइड में जाना है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में अपन ने सिर्फ नॉर्मली डेटा इंसर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा शो हो रहा है। तो इस तरह से आपका एक जो प्रेजेंटेशन है वो आप डिजाइन कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन का यूज क्यों होता है, इसका होता है कि आप जब कोई डेटा है उसको एनालिसिस करके किसी को समझाना चाहते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे लास्ट टाइम में आपने लिया था, यहाँ पे आपने चार्ट लिया था, अब इसको जैसे शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करें, अब आप यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि ये जो ए पर्सन है या ए कंपनी है इसमें 24% सेल हो रही है, डी कंपनी है यहाँ पे 70% सेल हो रही है। तो आपके यहाँ पे टेबल आपने नहीं डिजाइन किया है, टेबल के थ्रू आप नहीं बना रहे, उसका नाम वगैरह नहीं लिखा है, सिर्फ आप क्या है चार्ट बनाते हो और उसके थ्रू आप यहाँ पे समझा रहे हो कि इसमें क्या है इतने परसेंट की सेल हो रही है, इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन का यूज होता है।